बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बहुत बड़ी बैठक हुई, लेकिन उसमें बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को नहीं बुलाया गया। बहन जी नाराज हुई, उसके बाद उन्होंने 4 ट्वीट किए। उसमें बड़ी बड़ी बातें जो ये थी, उसमें कहा गया कि दिल्ली का जो रास्ता है लखनऊ से होकर जाता है, उन्होंने मतलब कहा कि 80 लोकसभा सीटों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, 80 लोकसभा सीटें ही सफलता की कुंजी है। लेकिन बहुत बड़ी चूक हुई विपक्ष से, कहीं ना कहीं बीएसपी को इस समय नाराज या नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसी मुद्दे पर मैं बात करने के लिए आज हाजिर हूं, दलित चिंतक युवा कवि राहुल नागपाल है हमारे साथ। राहुल सर बहुत बहुत स्वागत सर आपका। इस कदम को आप कैसे देखते हैं, क्या विपक्षी दलों की एक बहुत बड़ी चूक भूल हुई बीएसपी सुप्रीमो को ना आमंत्रित करना बैठक में? देखिए, ये सच्चाई है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि मायावती जी या जो बहुजन समाज पार्टी है वो जो ये विपक्ष का एकाकी बन रही है इसमें वो आए, क्योंकि जो लोग प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने, उसमें बहुत सारे चेहरे हैं वो। लेकिन जब मायावती इसमें शामिल होंगी तो सीधी सी बात है कि फिर मायावती जो है वो मायावती शामिल ही नहीं होंगी, मायावती फिर प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी होंगी। और जो लोग दलित विरोधी हैं, जो लोग मुस्लिम विरोधी हैं, जो लोग महिला विरोधी हैं, वो लोग नहीं चाहते कि मायावती जी को शामिल किया जाए। और जो मायावती जी ने लगातार 3-4 ट्वीट करके जो बात कहने की और धमकाने की, हड़काने की और समझाने की कोशिश की है, वो स्पष्ट है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर के गुजरता है। अगर तुमको वास्तव में ईमानदारी से मोदी की सरकार को तीसरी बार बनने से रोकना है तो लखनऊ वाली ट्रेन में तो आपको बैठने से परहेज कर रहे हैं। उनके लिए मायावती जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो सही है और सटीक है।